दोस्तों आज हम ऐसी ही एक बेहतरीन फिल्म के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसमें 65 करोड़ साल पहले गलती से दो लोग धरती पर आ जाते हैं जब धरती पर डायनासोर का समय चल रहा था। यह फिल्म बहुत ही अनोखी है, तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन फिल्म की कहानी। इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक ग्रह दिखाया गया है जिसका नाम सोमरेस है, जिसमें मनुष्य एक ही जीवन पर है। लेकिन आज कहानी में समय नहीं है, वास्तव में ये 65 मिलियन वर्ष पहले है। लेकिन उस समय भी सोमरस ग्रह के लोग इतने उन्नत थे कि वे किसी भी अन्य ग्रह की यात्रा कर सकते थे। उनके पास उस समय उन्नत तकनीक भी थी। इसके बाद मिल्स नाम के शख्स को उसकी पत्नी के साथ दिखाया गया है। उनकी बेटी निवाइन समुद्र के किनारे सीटी बजाने की कोशिश कर रही है। निवाइन को थोड़ी खांसी होती है, दरअसल निवाइन बीमार है। मिल्स को 2 साल के लिए एक मिशन पर जाना है और वह सोच रहा है कि अपनी बेटी को ये बात कैसे बताऊं। उनकी पत्नी का कहना है कि इस मिशन से आपको बहुत पैसा मिलेगा। मिल्स निविन के पास जाता है और उसे सीटी बजाना सिखाता है। निविन सीखता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम जा रहे हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा जहाज अंतरिक्ष में जा रहा है और जब यह एस्टेरॉयड के टुकड़ों से टकराने वाला होता है और जहाज के नीचे स्लीपिंग चैम्बर में बहुत सारे यात्री हैं। वही मिल्स जो सोया हुआ है चेतावनी सायरन सुनकर जाग जाता है और हम देखते हैं कि जहाज तेजी से पत्थरों से टकराने लगता है। मिल्स जहाज को संभालना शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत समय हो गया है। जहाज आपात स्थिति में उतरने के लिए एक ग्रह की ओर गिरने लगता है। जहाज नियंत्रण से बाहर होने लगता है, जहाज में आग लग जाती है, यह 2 टुकड़ों में बंट जाता है और जमीन पर गिरने लगती है और जहाज गिर जाता है। तब हम देखते हैं कि मिल्स की आंखें खुलती हैं। वह चोटिल है, वह अपने स्पेस सूट में बंदूक लेकर बाहर जाता है, इसलिए वह पानी में गिर जाता है। वह देखता है कि उसके यात्रियों की लाशें पानी में गिर गई हैं और सब मर चुके हैं। मिल्स ऊपर देखता है जहां उसे तारों से भरा आकाश दिखाई देता है। दरअसल मिल्स जहाज के पायलट थे जिसका मिशन सभी को एक दूसरे के ग्रह पर ले जाना है। मिल्स अपने जहाज के अंदर जाते हैं और एक संदेश रिकॉर्ड करते हैं। कहते हैं कि मैं एक अज्ञात ग्रह में फंस गया हूं और सभी यात्रियों की मौत हो गई है। वह मदद भेजने के लिए कहता है, लेकिन फिर वह मैसेज को डिलीट कर देता है और फिर दूसरा संदेश रिकॉर्ड करता है और कहता है, सभी यात्रियों की मौत हो चुकी है और रिकवरी नामुमकिन है। यह संदेश भेजने के बाद मिल्स निकल जाता है और खुद को गोली मार लेता है। वह खुद को मारने वाला है, लेकिन तभी उनकी बेटी का चेहरा उनके सामने आ जाता है और वह वहीं रुक जाता है। वह अंदर जाता है और अपनी बेटी का रिकॉर्डेड मैसेज देखने लगता है। तब उसे एक स्थान का संकेत मिलता है। वह अपने जहाज से बाहर आता है और स्थान पर जाता है। वह वहां एक यात्री के शयन कक्ष को देखता है। वह देखता है कि वह अभी भी जीवित है। वह डिब्बा खोलता है और लड़की को गोद में उठाकर जहाज की ओर जाने लगता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह इधर उधर देखकर चलने लगता है और एक स्थान पर रुक जाता है, क्योंकि उसे जमीन पर एक बहुत बड़ा पंजा निशान दिखाई देता है और वह एक जीव की आवाज सुनता है जैसे वह उसकी ओर बढ़ रहा है। विल का चेहरा डर के मारे पीला पड़ जाता है। दरअसल वह जिस ग्रह पर आया था यह कोई और ग्रह नहीं बल्कि पृथ्वी है और इस समय यहाँ कोई मनुष्य नहीं थे, ये डायनासोर का समय था। अगले दृश्य में मिल्स और वह लड़की जहाज में है। हम देखते हैं कि मिल्स उठकर जहाज से बाहर आ जाता है। उसे वहां एक बड़े जीव की हड्डियां दिखाई देती हैं और थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे जमीन से खौलता हुआ पानी निकलता दिखाई देता है। तभी उसे अपने सामने पर्वत पर एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वह अपना उपकरण खोलता है और पाता है कि वह उसके जहाज का टुकड़ा है जो उसे इस ग्रह से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। वह कुछ डायनासोरों को दौड़ते हुए देखता है। तभी एक छोटा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। वह खुद को बचाने के लिए उसे मार डालता है। वह वापस जा रहा है, तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उसे पता चलता है कि यह वही लड़की थी। लड़की दौड़ने लगती है, मिल्स उसका पीछा करते हैं और वे दोनों एक जगह गिर जाते हैं जहां एक बड़े डायनासोर की लाश पड़ी है। वह जहाज पर वापस चला जाता है। मिल्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कुछ नहीं बोलती। जब रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि लड़की का नाम कोया है। मिल्स उसे बताते हैं कि यहाँ एलियन जैसा कुछ है और हमें दूसरे जहाज की मदद से यहाँ से निकलना है। जब लड़की बोलती है तो मिल्स को पता चलता है कि लड़की की भाषा कुछ और है। मिल्स एक चित्र बनाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें उस पहाड़ पर चढ़ना है और उस जहाज पर जाना है जिससे वे घर जा सके। लड़की घर और परिवार शब्द को समझती है। मिल्स लड़की से झूठ बोलता है कि उसका परिवार उस जहाज में है। अब वह मिल्स की बेटी के अलग अलग वीडियो देख रही हैं। मिल्स रिकॉर्डिंग बंद कर देता है और लड़की को बाहर ले जाता है। डायनासोर की विभिन्न प्रजातियां हैं। कोया देखती है कि एक डायनासोर का बच्चा एक गड्ढे में फंसा हुआ है। वह उसके पास दौड़ती है
लेकिन मिल्स ने उसे मना कर दिया। वह उसे बाहर ले जाती है। बच्चा थोड़ा आगे जाता है जब कुछ और डायनासोर उसे मार डालते हैं, जिससे कोया बहुत जोर से चिल्लाती है। अब मिल्स कोया को समझाते हैं कि तुम्हें मेरी बात सुनकर चलना होगा। अब वे एक झरने के पास जाकर बैठ गए। मिल्स अपनी भाषा में कुछ कहते हैं तो कोया इसे दोहराता है। दोनों वहीं पानी पीते हैं। कोया को वहां एक फूल मिलता है जिसे वह मिल्स के बालों में लगाती है। अब सिग्नल गुम होने पर दोनों आगे चल रहे हैं। मिल्स एक बड़े पेड़ पर चढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका जहाज पास में है। तभी उसके हाथ पर एक कीड़ा आ जाता है जिससे वह पेड़ से नीचे गिर जाता है और उसका हाथ फंस जाता है। उसे दर्द होता है जब कुछ डायनासोर उसे घेर लेते हैं। जैसे ही उस पर हमला होने वाला होता है, मिल्स का हाथ सीधा जाता है और वह सभी को गोली मारने लगता है। कोया भाग जाता है और दूसरी जगह चला जाता है, लेकिन तभी दो डायनासोर उसे मारने वाले हैं और मिल्स गोली मारता है, लेकिन फिर भी एक डायनासोर उसे दूर ले जाता है। मिल्स बंदूक की आवाज निकालकर उसे भगा देता है। मिल्स थोड़ी देर के लिए वहां बैठता है और फिर सीटी बजने लगती है, जिस पर कोया भी सीटी बजाने लगता है। अब दोनों आगे बढ़ने लगे। मिल्स एक डिवाइस डालता है जिससे उन्हें कोई खतरा होने से पहले ही पता चल जाएगा। मिल्स डिवाइस के साथ कोया को अपना घर दिखाता है। जब वह देखता है कि बहुत सारे पत्थर ग्रह की ओर आ रहे हैं, लेकिन मिल्स उसकी उपेक्षा करता है। कोया अपनी बेटी की रिकॉर्डिंग देखती है, जिस पर सबसे पहले मिल्स नाराज होते हैं, लेकिन फिर वह खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और वह खुश हो जाती है। मिल्स रोने लगते हैं। यहां हम जानते हैं कि उनकी बेटी मर चुकी है। तब डिवाइस सतर्क हो जाता है और जब उसे अपने पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर खड़ा दिखाई देता है, मिल्स उसे गोली मार देता है और एक छोटी सी गुफा में चला जाता है। वह हवा की दिशा से हटकर दूसरा रास्ता खोजने लगता है। अंदर बहुत कम जगह है। मिल्स पत्थर को तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता और वह रुक जाता है। तब मिल्स को बताना पड़ा कि उनके माता पिता मर चुके हैं और वह झूठ बोल रहा था कि उसका परिवार उस पहाड़ पर है, लेकिन कोया को उसकी भाषा के कारण ये बात समझ में नहीं आती और वह खुद कोशिश करने लगती है। उसके बाद छोटे बमों की मदद से मिल्स फूंक मारकर रास्ता बनाता है और कोया को बम चलाना सिखाता है। वह बहुत संकरे रास्ते में प्रवेश करता है, लेकिन पत्थर गिरने से रास्ता बंद हो जाता है और वे दोनों अलग हो जाते हैं। मिल्स दूसरा रास्ता खोजने के लिए भाग जाता है और उधर कोया गुफा से बाहर आ जाता है। यहां मिल्स एक डायनासोर को मारकर बाहर आते हैं और डिवाइस की मदद से उसे पता चल जाता है कि एस्टेरॉयड धरती से टकराने वाला है। फिर वह कोया को ढूंढता है और दलदल में फंस जाता है और कोया चिल्लाकर अंदर ही अंदर डूब जाता है। यहां कोया एक डायनासोर को मार डालता है और एक पेड़ की मदद से मिल्स को बाहर निकाल लेता है। मिल्स बाहर आता है और कोया को गले लगाता है और उसे शुद्रग्रह के बारे में बताता है। वे दोनों आगे बढ़ते हैं और जहाज तक पहुंचते हैं। मिल्स शिप के अंदर जाकर चेक करते हैं कि शिप का एस्केप सेक्शन बिल्कुल सही है और वह उत्साहित है कि बचाव दल उसे बचाने आएगा, लेकिन कोया को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह अपने परिवार की तलाश करने लगती है। जब वह देखती है कि सभी मर चुके हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है कि मिल्स ने उससे झूठ बोला। लेकिन मिल्स बताते हैं कि मेरी बेटी के आखिरी पल में मैं उसके साथ नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। शायद कोया समझ गई और उसे गले लगा लिया। यहाँ तबाही बेहद करीब है। वे दोनों जहाज में बैठते हैं और उसे लॉन्च करने वाले हैं। उनके जहाज पर एक बड़ा पत्थर गिर जाता है और यह इस तरह से नीचे गिरता है कि जहाज लॉन्च की स्थिति में नहीं होता है। उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही थी क्योंकि तभी वहां एक बड़ा डायनासोर आ जाता है। जहाज पर कौन हमला करता है? मिल्स नीचे उतरता है और बड़ी मुश्किल से अपनी बंदूक से उसे मारता है। अब मिल्स जहाज की ओर बढ़ रहा है जब पीछे से एक डायनासोर आता है। उसे मारने के लिए मिल्स उसे बड़े मैदान में ले जाता है ताकि वह ज्वालामुखियों से जल जाए। कोया पीछे से आता है और उसकी आंख फोड़ देता है और डायनासोर जलकर मर जाता है। शुद्रग्रह पृथ्वी पर गिरते हैं। अब अंत में दोनों अंदर बैठकर जहाज को लॉन्च करते हैं और शुद्रग्रहों के हिट होने से पहले छोड़ दें। शुद्रग्रह पृथ्वी से टकराए और हम देखते हैं कि हमारी सुंदर पृथ्वी नष्ट हो रही है। मिल्स थककर अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी बेटी को याद करता है। फिर कोया उसका हाथ पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी समय के साथ कैसे बदलती है और हम अर्थात मनुष्य पृथ्वी पर आते हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कैसा होगा अगर आज ये एस्टेरॉयड हमारी धरती पर गिरे। और ऐसे बेहतरीन स्पष्टीकरण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब